बड़वानी मुक्ति धाम में किसी अज्ञात ने किया ऐसा काम, देख उड़े होश। कल मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कर दूसरे दिन अस्थियां एकत्रित करने पहुंचे, जहां चिता पर तांत्रिक क्रिया कर नींबू और मुर्गा जलाया गया था। दरअसल राजाघाट रोड स्थित नगरपालिका मुक्तिधाम में चिता की अस्थियां समेटने गए लोगों ने देखा, चिता पर जला हुआ मुर्गा पड़ा है और कटे हुए नींबू तांत्रिक क्रिया की हुई, देख होश उड़ गए। वही विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 28 फरवरी को रिश्तेदार की मृत्यु होने के बाद मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया था। आज अस्थियां समेटने आए तो चिता पर तांत्रिक क्रिया की हुई थी, साथ ही अन्य चिता पर भी तांत्रिक क्रिया की गई। इस तरह से चिता पर कोई भी तांत्रिक क्रिया करना गलत है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या परिचय? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता। घटना हो गई यहाँ पर, हमारे रिश्तेदार की जो है कल 28/2/2023 को वो मृत्यु हो गई थी, उनको यहाँ पे दाह संस्कार के लिए लाया गया और जो हमारे रीति रिवाज है उसके अनुसार दूसरे जो उनकी अर्थी समेटने के लिए हम जब आए तो हमने देखा कि जला हुआ मुर्गा अर्थी के उस पर पड़ा हुआ था एवं दूसरी भी चीजें जो है अगरबत्ती वगैरह ये वो और वो एक बेदी जैसी बनाई हुई थी, तो ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पे आके और उनके उस पर तांत्रिक क्रिया की है और बस ये हमने पाया। क्या कहेंगे ऐसी जो घटना हुई इसको लेकर? इसको ये है कि भाई कोई ना तांत्रिक क्रिया किस हिसाब से की अब ये तो नहीं मालूम है, लेकिन किसी भी की मृत्यु के उस पर जो है ये तांत्रिक क्रिया करना उचित नहीं है और हमारे आस्थाओं पे चोट है।